मैं आज आपको बताऊंगा ग्लूकोमीटर पे शुगर कैसे करते हैं। बिल्कुल इजी मेथड है दोस्तों, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। कई लोगों को परेशानी होती है यार, लैब में कैसे जाएं, रोज़ाना शुगर कैसे कराएं, ये आप घर बैठे इजीली कर सकते हैं। ये हमारा ग्लूकोमीटर, ये हमारा ग्लूकोमीटर है, ये हमारा लैंसेट प्रिकर है और ये हमारा लैंसेट। अब हम इसको सेट करेंगे लैंसेट को। अब हम लैंसेट प्रिकर में हम ये लैंसेट फिक्स करेंगे। अब हम लैंसेट प्रिकर को ओपन करेंगे, ऐसे हम इसको ओपन करेंगे। उसके बाद ये हमारा लैंसेट है, इसकी ये कैप उतारेंगे लैंसेट की। अब हम इसको फिक्स करेंगे इसमें लैंसेट को, हमने इसको फिक्स कर दिया। अब उसकी कैप इसके ऊपर लगाएंगे। ये नीचे वाला बटन जो है ना, इसकी चेम्बर है, इसको हम पीछे थोड़ा मूव करेंगे। इसका जो ये बैक साइड वाला बटन है, हम इसको पीछे थोड़ा मूव करेंगे। ये इसका चेम्बर है, इसको मूव करेंगे तो ये इसका चेम्बर लग जाएगा। उसके बाद अगर किसी पेशेंट को प्रिक करनी है तो उसकी उंगली के ऊपर ये बटन रखेंगे। एग्जाम्पल, ये हमारा लैंसेट प्रिकर है, ये हमारा बटन है। अगर किसी पेशेंट को प्रिक करनी है तो पहले इसको पेशेंट को किसी को भी अल्कोहल स्वाब से या कॉटन से इसको थोड़ा ऐसे क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद ये ऐसे रख के फिर ये बटन है, इसको ऐसे दबाना पड़ेगा। जैसे दबाएंगे इसकी लैंसेट जो है ना, यहाँ से निकलेगी, उसकी फिंगर में से लगेगी, फिर वहाँ से ब्लड निकल आएगी। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करते हैं। ये हमारी ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप है, ये हम ग्लूकोमीटर में फिक्स करेंगे। स्ट्रिप को देख के लगाना पड़ता है, ये इसका तीर है ना, इसका तीर को देख के इसमें डालना पड़ेगा। जैसे ही हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर एक, जैसे हमने स्ट्रिप डाल दी, यहाँ पर ब्लड का ड्राफ्ट दिखाई दे रहा है। मतलब हमें अब पेशेंट की ब्लड यहाँ से देनी है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे देनी है। अब हम इस पेशेंट को फिंगर प्रिक करेंगे इस लैंसेट की मदद से। हमने यहाँ से बटन को दबा दिया, इसकी ब्लड निकल आ गई। अब ये हमारा ग्लूकोमीटर, यहाँ पर ब्लड का ड्राफ्ट देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर ब्लड का ड्राफ्ट दे दिया इसको। इसका टाइमिंग है, इसकी ये रिजल्ट आई है 96। ये था हमारा ग्लूकोमीटर शुगर का मेथड, इजीली मेथड था दोस्तों, इजीली मेथड था दोस्तों। आप घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह होती है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी एक दूसरी वीडियो में मिलेंगे।